हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का इसमें समसामयिक की घटनाओं का वार्षिक संकलन है। इसमें अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 के बारे में पढ़ेंगे। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व में के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची का 20वां यह संस्करण है। यह सूची 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणियों, जिसमें कलाकार, प्रवर्तक, असाधारण व्यक्ति, नेता, आइकॉन तथा मार्गदर्शक के अंतर्गत रखा गया है। मतलब यह है 13 अप्रैल 2023 को जारी की गई, जिसमें 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की एक वार्षिक सूची है जो 6 श्रेणियों में दी जाती है, जो जिसमें आते हैं पहला कलाकार, फिर दूसरा प्रवर्तक, तीसरा असाधारण व्यक्ति और नेता, आइकॉन तथा मार्गदर्शक इसके अंतर्गत आते हैं। कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायेक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। प्रवर्तक श्रेणी में शामिल हैं व्यक्ति किलियम एम्बापे, जो फ्रेंच फुटबॉलर हैं, तथा इगा स्वीटेक, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी, जो भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक, अभिनेत्री, मॉडल एवं टेलीविजन होस्ट है, और एलन मस्क, जो स्पेसएक्स के संस्थापक हैं और ट्विटर के सीईओ हैं, उन्हें असाधारण व्यक्ति के रूप में यह श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। और लियोनेस मेसी अर्जेंटीना, जो फुटबॉलर हैं, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इनको मिला है। नेता श्रेणी में कुल 20 लोग शामिल हैं, जिनमें ओलेना जेलेंस्की यूरोप की राष्ट्रपति की पत्नी, और जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद तिनुगु नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जेनेट एलेन अमेरिकी वित्त मंत्री आदि प्रमुख व्यक्तियों शामिल हैं। और आइकॉन श्रेणी में इसमें कुल 15 लोगों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान शामिल हैं। और मार्गदर्शक की श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजमौली को शामिल किया गया। तो इसमें जो 6 श्रेणियाँ हैं, 6 श्रेणियों में कलाकार में तो मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायेक और अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर को मिला है, और प्रवर्तक श्रेणी में एम्बापे, जो फ्रेंच फुटबॉलर हैं, और इगा स्वीटेक, पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको मिला है। असाधारण व्यक्ति के रूप में मिला है पद्म लक्ष्मी, और जो मॉडल एवं टेलीविजन होस्ट करता है, और एलन मस्क को मिला हुआ है। नेता की श्रेणी में 20 लोग शामिल हैं, जिसमें आते हैं ओलेना जेलेंस्का, जो बाइडन, बोला अहमद तिनुवी और जेनेट एलेन आदि इसमें आते हैं। आइकॉन श्रेणी में 15 लोग शामिल हैं, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को दिया गया है, और मार्गदर्शक श्रेणी में एस राजामौली को शामिल किया गया है। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। फिर नाटो के बारे में, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है, जिसमें यूरोप एवं अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं? 31 देश यूरोप और अमेरिका के। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई। इस संधि को वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में वाशिंगटन संधि के नाम से भी आ सकता है तो उसमें भी यही होगा, और उत्तरी अटलांटिक संधि की आधारशिला के आधार पर इसका स्टार्ट किया गया था। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। हालांकि 30वां सदस्य उत्तरी मैसिडोनिया को 2020 में बनाया गया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई है। स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया, और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। ज्ञातव्य है कि 4 भागीदार देशों ने नाटो की सदस्यता हेतु अपना आकांक्षा घोषित की है। ये देश बोस्निया एवं हर्जेगोविना,
जॉर्जिया, स्वीडन एवं यूक्रेन है। और इस नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान में इस उत्तरी अटलांटिक संधि का अनुच्छेद 10 आता है। तो नाटो को 31वां सदस्य बना दिया गया है और 31वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया है जो 2020 में बना था। अब आते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में। वर्ष 2022 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जो इसका 11वां संस्करण है और यह 6 कारकों पर आधारित है, जिसमें पहला कारक है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सामाजिक अवलंबन, तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, पांचवा उदारता, छठवा भ्रष्टाचार बोध आता है। इस रिपोर्ट में कुल 137 देश शामिल हैं और WHR 2023 में रैंकिंग हेतु वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग किया गया है। WHO 2023 में लगातार 6वीं बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में शामिल है, जिसमें पहला फिनलैंड है, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा इसराइल, फिर नीदरलैंड आता है। और सबसे कम प्रसन्न देशों की सूची में आता है अफगानिस्तान, नीचे से देखते हैं जो 137वां है, 136वां लेबनान, सेरा लियोन 135वां और 134वां जिम्बाब्वे और 133वां कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। WHR 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 2022 में 136वां स्थान प्राप्त था। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को पहली बार 2012 में प्रकाशित किया गया था तथा इस रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। प्रेजेंट में 20 मार्च 2023 को इसे जारी किया गया है। यह इसका 11वां संस्करण है जो 6 कारकों पर आधारित होता है। इसमें कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की गई है, जिसमें सबसे अधिक प्रसन्न देश में फिनलैंड आता है और सबसे कम प्रसन्न देश में अफगानिस्तान आता है। और भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2022 में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका की महान नवीनतम सूची महानतम स्थलों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिलों को शामिल किया गया। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल है। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल है। मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भारत का पहला डाई स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हल्ले गांव में स्थापित किया गया। लद्दाख को मयूरभंज को 50 महानतम स्थानों की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें लद्दाख फेमस है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जो फेमस है अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और जो मयूरभंज उड़ीसा का जो जिला है यह विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और मयूरभंज का जो छाऊ नृत्य है उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब आते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में। 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का आंकलन एवं विश्लेषण करता है तथा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 6,701 दर्ज की गई है और यह 2021 की तुलना में 9% गिरावट करता है। जब वर्ष 2021 की भांति 2022 में इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह बना हुआ है,
तथा इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1045 मौतों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। आतंकवाद से प्रभावित देश सर्वाधिक प्रभावित देश हैं, पहला अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली, सीरिया है। और ब्रिक्स देशों का स्थान में 85वें स्थान पर ब्राज़ील आता है, 45वें स्थान पर रूस आता है, 13वें स्थान पर भारत आता है, 93वें स्थान पर चीन आता है और 79वीं रैंक दक्षिण अफ्रीका की है। GTI 2023 में भारत ने 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, यह 10वां संस्करण है इसका और इसे विश्व के 163 देश शामिल है, जिसमें पहली सर्वाधिक प्रभावित देशों में पहली रैंक अफगानिस्तान की है और भारत की रैंक 13वीं है, इसको याद करना है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 प्रकाशित की गई। वर्ष 2018-22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में 2013-17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई। 2018-22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी हैं। और 2018-22 में प्रमुख शस्त्रों में कुल निर्यात 76% है। और वर्ष 2018-22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश क्रमशः भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन है। संयुक्त राष्ट्र से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के 36% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं और भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है, इसमें यह इम्पोर्टेंट है। और रूस वर्ष 2018-22 में विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है और 2018-22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति वाले देशों में फ्रांस दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और वर्ष 2017-21 की मध्य भारत जहां शीर्ष निर्यातकों में शामिल था, वहीं 2018-22 में भारत इस सूची से बाहर है और रूस, फ्रांस, इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ता में भारत शीर्ष स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 को 13 मार्च 2023 के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी हैं, ये इसके इम्पोर्टेंट हैं। और एक ये कि रूस, फ्रांस एवं इसराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ता में भारत शीर्ष स्थान पर है और भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। और रूस वर्ष 2018-22 में विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। अब आते हैं 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में। अकादमिक पुरस्कार या एकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों एवं तकनीशियों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यांग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अकादमी का मुख्यालय बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला तो ये कि इन्हें अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यांग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की वर्तमान अध्यक्ष हैं जेनेट यांग और इसका मुख्यालय बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, USA में है। 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स के में 95वां अकादमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस को प्राप्त हुए।
एवरीथिंग एवरीवियर ऑल एट वंस को प्राप्त हुआ। डेनियन क्वाल और डेनियन स्कीनर्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सर्वाधिक 7 ऑस्कर अपने नाम किए हैं, मतलब 7 ऑस्कर। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक पर आधारित काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसी फिल्म के लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्कीनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अब आते हैं मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला है, ये इनकी विशेषता है। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हील जिसके निर्देशक डेरेन एरोफस्की ने में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का प्रदान किया गया। इसमें प्रमुख विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस की है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के हुई क्वान ये भी इसी फिल्म के हैं और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवेलनी इसके निर्देशक डेनियल रोहेर हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर में ऑल क्वाइट ऑल ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रकाश में अवतार है जो द बे ऑफ वाटर जिसके निर्देशक जेम्स कैमरूल है। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर प्रदान किया गया। तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक कार्तिकी गोसाल्वेस और निर्माता गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर इस पुरस्कार को ग्रहण किया। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। द एलिफेंट विस्पर की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े वोमन और बेली की है जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे रघुधुगु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया है जब एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म तेलुगु फिल्म आर के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी जिसका ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। यसका पुरस्कार प्राप्त करने के लिए M.M. किरवानी और गीतकार चंद्रबोस ने लिया और इस गीत के गायक राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव हैं और नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत या ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है और तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR द्वारा फिल्माया गया था। उल्लेखनीय है कि 10वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग्स मोशन पिक्चर श्रेणी में भी नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट वर्थ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने में चूक गई। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पेन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेल्लू सो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छेल्लू सो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई थी और 15 फिल्मों में चयनित हुई लेकिन 5 फिल्मों को स्थान नहीं बना सके अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सके। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं या उद्घोष में शामिल रहीं जिसमें पहली ऑस्कर मंच के रूप में प्रस्तुतकर्ता के रूप में 1980 में पहली भारतीय अभिनेत्री पर्सिस खम्बाटा थी और दूसरी भारतीय अभिनेत्री 2016 में प्रियंका चोपड़ा थी। इस मैं टॉपिक में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें भारत के संदर्भ में भी काफ़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है और ये विश्व के संदर्भ में भी हैं तो इनको एक एक करके याद कर लेना। अब आता है लैंगटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लैंगटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लैंगटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि लैंगटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लैंगटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। 27 फरवरी 2023 को लैंगटम इंस्टीट्यूट द्वारा लैंगटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया। यह इसका 16वां संस्करण है तो इसे पहला संस्करण 2008 में जारी किया गया होगा।
विश्व समृद्धि सूचकांक को 8 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। 167 देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों 12 स्तंभों और 67 तत्वों एवं 300 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें 12 स्तंभ में है। पहला रक्षा एवं सुरक्षा, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा प्रशासन, चौथा सामाजिक पूंजी, पांचवा निवेश पूंजी, छठवां उद्यम स्थिति, सातवां अवसंरचना एवं बाजार, आठवां आर्थिक गुणवत्ता, नौवां रहन सहन की स्थिति, दसवां स्वास्थ्य और ग्यारहवां शिक्षा, बारहवां प्राकृतिक पर्यावरण है। और इस सूची में विश्व समृद्धि सूचकांक की सूची में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान पर है। और भारत के और लैंगडम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2022 में इसे 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। लैंगडम समृद्धि सूचकांक को लैंगडम इंस्टीट्यूट, जो एक गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। यह इसका 16वां संस्करण है, जो 167 देशों को शामिल करता है। इसमें 3 कार्य क्षेत्र हैं, 12 स्तंभ हैं और 67 तत्व हैं और 300 संकेतक पर यह आधारित है, जिसमें शीर्ष पर डेनमार्क है और अंतिम पर साउथ सूडान है। और भारत की रैंक 103 भी है और पिछले वर्ष इसकी रैंक 100 भी थी। अब आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में। सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन DC स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत है। विधि नियम, रूल ऑफ लॉ, जिसके अंतर्गत आती है संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा और न्यायिक प्रभावशीलता। दूसरा आता है सरकार का आकार, सरकार के आकार के अंतर्गत आएगा सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति। तीसरा आता है नियामक दक्षता, जिसके अंतर्गत आता है व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता और मौद्रिक स्वतंत्रता। चौथा आता है खुले बाजार या ओपन मार्केट, जिसके अंतर्गत है व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता आता है। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। और इसको कब शुरू किया गया था? 1995 में। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह इस रिपोर्ट को वाशिंगटन DC अमेरिका स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 4 देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की वर्गीकृत श्रेणी में स्थान मिला है। अब आता है 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया, जिसके अंतर्गत भारत, ब्राजील, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया है तथा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित किया गया था, जिसको यह प्रेजेंट में यह 29वां संस्करण है तथा इसको अमेरिका स्थित वाशिंगटन DC स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 2023 में 131वीं है। अब आता है भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमेरिका की एक संयुक्त पहल है। किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमेरिका की। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो UK में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2021 के द्वारा नवंबर 2021 में हुई थी। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट या एम फॉर क्लाइमेट के 5 वर्ष जो 2021 से 2025 के मध्य जलवायु, स्मार्ट कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश एवं समर्थन बढ़ाना चाहता है, ताकि भागीदारी को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। 22 फरवरी 2023 को भारत एक आश्रय पत्र पर हस्ताक्षरित कर M4C में शामिल हो गया है।
भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AM4C में शामिल हुआ। वर्तमान में AM4C में 47 सदस्य हैं। वर्तमान में AM4C पहल में वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है और 8 से 10 मई 2023 के मध्य M4 क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। अब आता है इसका दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 2012 में जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया। फरवरी 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है तथा यह 11वां संस्करण है। इसमें विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जिसमें GDP में 90% से अधिक योगदान करती हैं वह अर्थव्यवस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस हैं और इसमें अंतिम देश में वेनेजुएला, रूस और अल्जीरिया है तथा यह भारत की 55 देशों में 42वें स्थान पर है तथा इस क्षेत्रीय दृष्टि में 15 देशों में भारत 12वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है तथा इसमें 55 देशों का समूह होता है जिसमें भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है और क्षेत्रीय स्तर पर भारत को 15 देशों में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसका सचिवालय बर्लिन जर्मनी में है द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई। इस सूचकांक में 0 से 100 तक के अंकों को विस्तारित किया गया है जहां 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट होता है और 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार होता है। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया। यह प्रतिवर्ष जारी होने वाला है तथा जारी होने वाली इस रिपोर्ट का यह 28वां संस्करण है जिसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है जिसका स्कोर 90 है और अंतिम स्थान पर सोमालिया है जिसका स्कोर 12 है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश में सोमालिया आता है, फिर सीरिया आता है, दक्षिणी सूडान आता है और भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है तथा वर्ष 2021 में सूचकांक में भारत को 40 अंक के साथ 85 रैंक मिली थी अतः 2022 में भारत की रैंक में सुधार नहीं हुआ है। दोनों 2021 और 22 में दोनों में सेम रैंक भारत ने प्राप्त की है। ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका 72वें स्थान पर, ब्राजील 94वें स्थान पर और रूस 137वें और चीन 65वें स्थान पर है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सचिवालय बर्लिन जर्मनी में है। यह 180 देशों एवं क्षेत्रों की सार्वजनिक क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान करता है जिसमें 0 से 0 तक का एक पैमाना दिया गया है जिसमें 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट है और 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार को व्यक्त करता है जिसमें जो पहली रैंक मिली है वह डेनमार्क को मिली है। इसमें अंतिम रैंक पर है सोमालिया और भारत का स्थान 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है जिसमें 2022 में भी है और 2021 में भी सेम इसी रैंक पर था। अब आता है भारत वासिनार व्यवस्था का अध्यक्ष। वासिनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रक व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वासिनार नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया जाता है जहाँ यह समझौता वर्ष 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था को औपचारिक शुरुआत 1996 में हुई जिसका सचिवालय बेना ऑस्ट्रेलिया में है।
यह व्यवस्था में 42 सदस्यों और वर्ष 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं और चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। मतलब इसमें चीन इसका कोई सदस्य नहीं है। 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की तथा 30 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य वियना में वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। भारत की वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई थी तथा इसका भारत का कार्यकाल 1 वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत ने आयरलैंड की मैप से बायशर वासेनार व्यवस्था में पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रक व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। अब आता है अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रक व्यवस्थाएँ, जिसमें पहली आती है जांगर समिति। जांगर समिति, इसे NPT निर्यातक समिति के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसमें 39 सदस्य हैं, जिसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। दूसरा आता है NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यह है ये आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई है। वर्तमान में इसके 48 सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह, यह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और वर्ष 2018 में भारत इस समूह का सदस्य बना। वर्तमान में इसकी संख्या 43 है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रक व्यवस्था MTCR, इस व्यवस्था की शुरुआत 1987 में हुई थी और वर्ष 2016 में भारत इस समूह का सदस्य बना था। वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या 35 है। मतलब जांगर समिति, जिसमें 39 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है, और NSG की स्थापना 1974 में हुई थी, जिसमें वर्तमान में 48 सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह की स्थापना 1985 में हुई थी, जिसमें भारत 2018 में इसका सदस्य बना और इसमें कुल 43 सदस्य हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, जिसमें 2016 में भारत इसका सदस्य बना और इसमें कुल 35 सदस्य देश हैं। अब आते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के बारे में। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के तहत व्यक्तिक, नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर मानव स्वतंत्रता स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी स्थित केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से इस मानव स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया गया। इस सूचकांक का यह 8वां संस्करण है। 2022 में वर्ष 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया, जिसमें पहली रैंक पर है स्विट्जरलैंड, दूसरी न्यूजीलैंड, तीसरा सोमालिया। शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई देश, जिसमें सिंगापुर, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत है। भारत जो 10वें नंबर पर है और इसकी वैश्विक रैंक 112 है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को वाशिंगटन DC स्थित केंटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह इसका आठवां वार्षिक संगठन है, जिसमें भारत की रैंक क्षेत्रीय रैंक 10वीं है तथा वैश्विक रैंक 112वीं है, और इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड आता है। अब आता है ईरान CSW से बाहर। महिलाओं की स्थिति पर आयोग लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। संयुक्त राष्ट्र की 45 सदस्य राष्ट्र किसी एक समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के आधार पर किया जाता है। भारत भी CSW का सदस्य है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2025 है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि CSW एक प्रमुख वैश्विक गैर अंतर सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी तथा यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है, जो संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य राष्ट्र किसी एक समय इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जिसका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और भारत भी इसका सदस्य है, जिसका कार्यकाल 2025 है। स्मरणीय तथ्य में 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव किया है।
सीएसडब्ल्यू में ईरान का कार्यकाल 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था, अतः उसे शेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से इस आयोग से बाहर कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया। प्रस्ताव के विपक्ष में 8 देश बोलीविया, चीन, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रूस और जिम्बाब्वे ने मतदान किया, जबकि भारत सहित 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। मतलब इसमें टोटल 29 देशों ने मतदान किया, जिसमें 8 देश जो थे उन्होंने विपक्ष में मतदान किया और भारत सहित 16 देश ऐसे थे जिन्होंने कोई मतदान में भाग ही नहीं लिया। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2022 से 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरेलिटी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया था। उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप लगाया गया था। हिरासत में उन्हें पीटा गया, इसके फलस्वरूप अमीनी की मृत्यु हो गई। इस घटना के फलस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने क्रूर कार्यवाही की थी। इसी के परिणामस्वरूप ईरान को सीएसडब्ल्यू से बाहर करने का प्रस्ताव किया गया। ये इसके पीछे एक रीजन है कि ईरान को क्यों इसके बाहर किया गया। अब आते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 के बारे में। वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग को 2013 से लगातार प्रकाशित किया जा रहा है, और किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपने घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया गया। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। इससे संबंधित तथ्य 8 दिसंबर 2022 को IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव नेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 जारी की गई है। यह इसका 9वां संस्करण है, जबकि पहला 2013 में जारी किया गया था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में प्रतिवर्ष मध्यम एवं उच्च आय वाले 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पहली रैंक पर स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरी पर आइसलैंड आता है। लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में 63 देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। इस सूचकांक में सम्मिलित 63 देशों की सूची में भारत ने 52वां स्थान प्राप्त किया। स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर और भारत ने 52वां। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में सिंगापुर ने को प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारत ने 12वां स्थान प्राप्त किया है। अब इसकी जो भारत की विश्व प्रतिभा रैंकिंग में इसके 5 वर्ष का एनालिसिस देख लेते हैं कि 2018 में से 2022 तक भारत की रैंकिंग में क्या उतार चढ़ाव है। 2018 में भारत की रैंकिंग 53वीं थी, और वर्ष 2019 में 59, वर्ष 2020 में 62 और वर्ष 2021 में 56 और वर्ष 2022 में 52 है। अब आता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना को वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मई 2019 में यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे हास्य अभिनेता एवं पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्वभर में युद्धकाल की नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। मार्च 2022 में उनके साहस एवं वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लाइन से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लाइन के रूप में। जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों ने एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण वोलोडिमिर जेलेंस्की के नाम पर करने की घोषणा की है। फेदर स्टार। उल्लेखनीय है कि फेदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी वोलोडिमिर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था। इसमें अन्य अभिनेता शामिल है हीरोज ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान, जो हीरोज ऑफ द ईयर में जो वुमेन ऑफ द ईरान को शामिल किया गया है। इंटरटेनर ऑफ द ईयर के लिए ब्लैक पिंक, जो दक्षिण कोरियाई पॉप बैंड है। एथलीट ऑफ द ईयर के लिए एरोन जज, जो अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं। अब आता है आइकन ऑफ द ईयर के लिए मिशेल यो है, जो मलेशियाई अभिनेत्री हैं। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर के लिए ग्रेगिटी रॉबिन्सन जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम को दिया गया। और ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गाइटम, जो अमेरिकी गायक हैं, उनको प्रदान किया गया।
अब आता है फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं के बारे में। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची के कई अहम 19वां संस्करण है, इसमें 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शीर्ष स्थान पर है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टिन लैगार्ड दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी, दूसरी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टिन लैगार्ड और तीसरी संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। सूची में जहां यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा जो 33 वर्ष की शक्तिशाली महिला है, वहीं यूएसए की नैन्सी पेलोसी सबसे उम्रदराज महिला है। दोनों यूएसए की हैं, जिसमें टेलर स्विफ्ट 33 वर्ष की है जो सबसे युवा है और नैन्सी पेलोसी 82 वर्ष की हैं जो सबसे उम्रदराज है। अब आते हैं वर्ष 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार शामिल किया गया। इन्हें समग्र रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसमें रैंकिंग देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पर आती है, जिसमें पहली रैंक तो हमने जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन है, दूसरी क्रिस्टिन लैगार्ड जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे नंबर पर हैं, जिसमें चौथे नंबर पर आती हैं मैरी बर्रा जो अमेरिका की सीईओ जनरल मोटर्स की हैं। 12वें नंबर पर आती हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो बुल्गेरिया की है और आईएमएफ की प्रबंध निर्देशक हैं। 17वें नंबर पर आती हैं साई इंगवेन जो ताइवान की है, ताइवान की राष्ट्रपति। जेनेट एलेन 33वें नंबर पर आती हैं, ये अमेरिका की हैं जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। 40वें नंबर आती हैं जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की बनाई गई। 83वें नंबर पर आती हैं सना मरीन जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। 94वें नंबर पर आती हैं सियो मारा कास्त्रो जो हिंडोरास की राष्ट्रपति हैं और 95वें नंबर पर आता है सामिया सुलू हसन जो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। इस वर्ष की सूची में 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो लगातार चौथी बार इस सूची में अपनी जगह बनाई हुई है, जिसमें 2021 में उनको 37वीं रैंक, 2020 में 41वीं और 2019 में 34वीं रैंक प्राप्त हुई थी। एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। सेबी की अध्यक्ष माधुरी पुरीबुज को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है और सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है और नायका की संस्थापक एवं सीईओ फाल्गुनी नायर को 89वीं रैंक प्राप्त हुई है। अब आता है 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 जो बीबीसी द्वारा जारी की जाती है। दिसंबर 2022 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा विश्व की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 जारी की गई। इस वर्ष की संस्करण की थीम प्रगति है। यह सूची को 10वां संस्करण है। इस सूची में उन महिलाओं को संदर्भित किया जाता है जिन्होंने हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। इस सूची में 4 महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा, सिरिशा बांदला जो एरोनॉटिक्स इंजीनियर हैं, स्नेहा जावले सामाजिक कार्यकर्ती और गीतांजलि श्री जो लेक का हैं को शामिल किया गया। कौन कौन सी? प्रियंका चोपड़ा, सिरिशा बांदला, स्नेहा जावले और गीतांजलि श्री। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट फॉर लिविंग रिपोर्ट 2022 EIEU। दिसंबर 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है जो EIEU द्वारा संचालित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर माह में जारी की जाती है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर इसमें 172 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के आधार पर आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। EIEU सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क विश्व में रहने वाले सबसे महंगे शहर हैं। कौन कौन से? सिंगापुर और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहले स्थान पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। दमिश्क सीरिया विश्व में रहने वाले सबसे सस्ता शहर है और 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति दर कराकस वेनेजुएला में दर्ज की गई है। बेंगलुरु चेन्नई अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों की सूची में शामिल किया गया। 172 शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों का स्थान है, जिसमें बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु और अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब आते हैं भारत GPAI का अध्यक्ष।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुहितधारक पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI एक आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा की गई। GPAI में 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें 14 देश यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त OECD GPAI में स्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। इसमें ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्मरणीय तथ्य में 21 से 22 नवंबर 2022 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो, जापान में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत ने अगले एक वर्ष के लिए GPAI परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की है, तभी यह और ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट होता है कि भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया। GPAI परिषद एक मंत्री स्तरीय निकाय है, जिसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। GPAI के शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2022 को हुआ, जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 दिसंबर 2021 को हुआ, जो पेरिस, फ्रांस में हुआ। तीसरा शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2022 टोक्यो, जापान में हुआ। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति को पारदर्शिता बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 में किया गया। इस सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें 4 श्रेणियां हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जिसमें कुल स्कोर 40% होता है, जो कि सर्वाधिक है। दूसरा है नवीनीकरणीय ऊर्जा, जिसमें 20% स्कोर है। फिर आता है ऊर्जा उपयोग, इसमें भी 20% है, और जलवायु नीति, इसमें भी 20% स्कोर है। 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 18वां संस्करण है, तथा यह शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश के लिए इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुए। डेनमार्क ने CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में 4th स्थान हासिल किया है। ईरान ने सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें 4th नंबर पर डेनमार्क और भारत की रैंक 8वीं है। ब्रिक्स देशों में भारत की रैंकिंग 8वीं है, ब्राजील की 38वीं, चीन की 51वीं, दक्षिण अफ्रीका की 44 और रूस की 59 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, और 2022 में यह इस रैंक में यह 10वें स्थान पर था, और 2021 में भी यह 10वें स्थान पर था। मतलब 2021-22 में यह 10वें स्थान पर था, और 2023 में इसने 8वां स्थान प्राप्त किया है। भारत को किन 4 श्रेणियों में यह प्रदर्शन के लिए दिया गया है, जिसमें पहला ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्सर्जन के लिए 9वीं रैंक प्राप्त हुई है, जो कि एक उच्च रेटिंग को दर्शाती है। नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए यह 24वीं रैंक है, जो मध्यम रेटिंग को दर्शाती है, और ऊर्जा उपयोग के लिए 9वीं रैंक प्राप्त हुई है, जो उच्च रेटिंग को दर्शाती है, और जलवायु नीति के लिए 8वीं रैंक प्राप्त हुई है, जो मध्यम रेटिंग को दर्शाती है। अब आते हैं वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2022 के बारे में। 3 नवंबर 2022 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टलॉन्स इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक जारी किया गया। कौन सा इंस्टीट्यूट? इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टलॉन्स इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से। इस सूचकांक का यह 9वां संस्करण है, जिसका शीर्षक द टेक्टोनिक ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्राफ्टिंग टूवर्ड इंक्रीज्ड टैलेंट इनइक्वालिटी है। इससे संबंधित तथ्य GTCI 2022 में 133 देशों का शामिल है। इसके साथ ही प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कुल 175 शहरों को शामिल किया गया।
GTCI 2022 में प्रथम 5 स्थानों में क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन स्थित है। अंतिम 5 में आते हैं कांगो, जो 133वें स्थान पर है। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इथोपिया, अंगोला और माली शामिल है। भारत की स्थिति 101वीं समग्र रैंक है और समग्र स्कोर 28.90 है। इसकी आय निम्न मध्यम आय है और क्षेत्रीय मध्य और दक्षिण एशिया है और क्षेत्रीय रैंक इसकी चौथी है। GCTCI 2022 में भारत के 8 शहरों को स्थान मिला है। इसमें 8 शहर शामिल हैं, जिसमें 125वें स्थान पर बेंगलुरु है, 135वें स्थान पर मुंबई, 142वें स्थान पर चेन्नई, 146वें स्थान पर पुणे, 147वें स्थान पर हैदराबाद, 159वें रैंक पर दिल्ली और 162 रैंक पर कोलकाता और 169 रैंक पर सूरत है। जबकि GCTCI 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को के शीर्ष स्थान प्राप्त हुए, वहीं ढाका को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अब आते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 के बारे में। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 4 कारकों के आधार पर देशों को अंक प्रदान करते हैं। एक कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका परिवर्तन आदि और पिंडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता है। देशों को 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 1 सबसे जोखिम और 100 उच्चतम जोखिम को प्रदर्शित करता है। नवंबर 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 को जारी किया गया है। इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रैक द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 194 देश शामिल हैं। समग्र स्कोर में 4 के साथ नॉर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तर कोरिया ने 93 के साथ अंतिम स्थान प्राप्त किया है। नवीनतम सूचकांक में भारत में 86वां स्थान और जबकि 2021 में इसने 82वां स्थान प्राप्त किया था। अब आते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। वर्ष 2008 को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष 2022 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। स्मरणीय तथ्य में 26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोस्पेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ 2022 जारी किया गया। यह सूचकांक विश्व के 140 देशों या क्षेत्राधिकारों के कानून के शासन का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क, फिर सेकंड पर नॉर्वे, फिर फिनलैंड आता है। इसमें सूचकांक में अफगानिस्तान, कंबोडिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान 138वें, कंबोडिया 139वें और वेनेजुएला 140वें स्थान पर है, जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 69वीं रैंक, श्रीलंका 74 और भारत की 77 रैंक प्राप्त हुई है, जो क्षेत्रीय स्तर पर। इसके अतिरिक्त सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। अब आते हैं वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में। वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संगठन के द्वारा किया गया। हालांकि वर्ष 2018 में इफ्री के ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन की ने स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तब से यह सूचकांक बेल्ट हंगर हेल्प एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों, जिसमें अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। GHI के स्कोर में 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है, जिसमें पहला स्कोर 9.9 या उससे कम स्कोर होता है वह निम्न के अंतर्गत आता है। जो 10 से 19.9 के अंतर्गत आता है वह मध्यम होगा और जो 20 से 34.9 के अंतर्गत आता है वह गंभीर होगा। जो 35 से 49.9 के अंतर्गत आएगा वह भयावह होगा और जो 50 या उससे अधिक पर होता है उसे चरम भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसमें ये तथ्य में देखते हैं कि 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक को जारी किया गया और यह 2006 से स्टार्ट है तथा यह 17वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में खाद्य प्रणालियां रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन के विषय पर केंद्रित करती है। 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे, 2022 के अनुसार यह रिपोर्ट आई है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक GHI स्कोर में 18.2% है, जो भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया में भूखमरी का स्तर सर्वाधिक है और इसके बाद अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा का स्थान आता है। GHI में वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में है तथा इसमें GHI 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं हुआ है। कौन सी श्रेणी?
वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश हिमालय को चरम भयावह की श्रेणी में घोषित किया गया था, लेकिन 2022 में इसे कोई श्रेणी नहीं शामिल की गई है। जबकि पांच देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर एवं यमन भुखमरी की भयावह स्थिति को सामना कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं, जो 19.3% है। वर्ष 2022 के GHI रिपोर्ट में विश्व के 121 देशों के GHI स्कोर की गणना कर उन्हें रैंक प्रदान की गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 17 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया। कोस्टारिका एवं UAE संयुक्त रूप से इस सूचकांक में 8वें स्थान पर है, जिसमें ब्रिक्स देशों में रैंक है ब्राजील की 20वीं रैंक है, रूसी संघ की 28वीं, भारत की 107वीं रैंक है और चीन 1 से 17वें रैंक समूह पर है और दक्षिण अफ्रीका की 59 है। अंतिम 5 देशों में आते हैं यमन 121, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 120, मेडागास्कर 119, 118 पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और 117 पर चाड आता है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 121 देशों में 107 है और GHI 2022 में भारत का स्कोर जहां भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहां पर हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक फिनिश होता है। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसे 2006 में स्टार्ट किया जाता गया था और इसको स्टार्ट किया गया यह रिपोर्ट जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और यह 17वां वार्षिक संस्करण है जिसमें भारत की रैंक 107 भी है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।